अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हसन wwwschool.net की जानिब से और HTML की इस क्लास में मैं आपको लिस्ट के बारे में कुछ बताता हूँ। ये हमारे हैं कोर्स कंटेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन से कंटेंट्स को कवर कर चुके हैं, कौन कौन से हमारे रहते हैं। लिंक्स, इमेजेस और टेबल्स, ये हमारे हो गए, कमेंट्स वगैरह सब हो गए हमारे। और ये लिस्ट, इस वक्त ये लिस्ट है। फॉर्म्स, कलर, ये कलर भी मैं हमने पहले कर लिया, और अब जो है ये हम लिस्ट को करने वाले हैं। उसके जो बाद होगा हम फॉर्म्स पे फोकस करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट के बारे में कि लिस्ट होती क्या है HTML के अंदर। ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि लिस्ट आर यूज टू शो द डाटा इन वेब पेज। फॉर्म जो टेबल्स हैं वो भी डाटा शो करती हैं और डाटा सेव भी करती हैं। फॉर्म के थ्रू हम भी डाटा सेव करते हैं, लेकिन जो लिस्ट होते हैं ये भी डाटा को शो कराने के लिए ही यूज़ होती हैं। तो HTML के अंदर जो लिस्ट थ्री टाइप्स की होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड, ये इन तीनों के नेम से ही शो हो रहा है कि ये लिस्ट इनके क्या यहाँ पे परफॉर्म करने क्या फंक्शन है। जो ऑर्डर लिस्ट होगी ये क्या होगा, इसमें जो भी डाटा होगा, जो भी इनके आइटम्स होंगे वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे। जो अनऑर्डर्ड, इसमें कोई इसकी ऑर्डर नहीं होगा, जिस तरह हम टाइप करेंगे HTML के वेब पेज के अंदर सेम उसी तरह ये शो हो जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगी, ये जो डाटा आइटम होंगे उनकी वो डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम अब ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं कि क्या होती है। और जो ऑर्डर वाइज हम लिस्ट बनाएंगे, इसमें फाइव टाइप्स ऑफ ऑर्डर होंगे। क्या आप इसको न्यूमेरिक में ले लें और या कैपिटल लेटर में ले लें, या स्मॉल लेटर में, या कैपिटल रोमन में, या स्मॉल रोमन में। तो बहरहाल हम इसको इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम एक न्यू पेज बनाते हैं। मैं ओपन करता हूँ अपन नोट पैड प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहीं पे ही। तो मैं सेव एज पे जाता हूँ, यहाँ इसको मैं लिखता हूँ लिस्ट डॉट HTML, एक्सटेंशन जो डॉट HTML ही देंगे। सेव करता हूँ। सबसे पहले मैं HTML का टैग ओपन क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं हेड सेक्शन बनाता हूँ एक, ये भी एक टैग है, इसको मैं ओपन क्लोज कर लेता हूँ। हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल देते हैं। टाइटल अगर नाम भी दें तो कोई मसला नहीं है। टाइटल में मैं दे देता हूँ यहाँ पे लिस्ट, क्या हम क्योंकि लिस्ट करने वाले हैं लिस्ट। और अब मैं आता हूँ बॉडी सेक्शन में। बॉडी वो सेक्शन होता है जो कि विजिबल पार्ट होता है किसी भी वेब पेज के अंदर। तो मैं लेता हूँ बॉडी सेक्शन, इसको टैग होता है, इसको भी मैं ओपन क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब मैं आता हूँ लिस्ट। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हम किस तरह यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसके लिए जो टैग है ये है ol। इसका ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ol, और साथ ही मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। और अब मैं यहाँ, ये मैंने एक ऑर्डर लिस्ट तो मैंने बना ली है, तो इसके अंदर आइटम्स मैं किस तरह शो करवाऊंगा। तो उसके लिए एक और टैग है, उसको हम कहते हैं li, इसका भी एक ओपन टैग और एक क्लोजिंग टैग है। li टैग लिस्ट आइटम, इसको ऐसे कहते हैं हम। तो इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये ऑर्डर लिस्ट बन चुकी। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो मुझे लिस्ट आइटम के थ्रू ये मुझे शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ भी मैं लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम लिख लेता हूँ, उस तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फोर टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। ये इसके मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आप कुछ नेम रख लें। तो अगर मैं अब इसको ओपन करूँ अपने ब्राउज़र में, ये मैं यहाँ रन के मेन्यू में जाके क्रोम में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये तो देखें इस वक्त जो मुझे ये शो हो रहा है, ये देखें ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑटोमेटिक किसने 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह मुझे ये शो करवा दिया, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है। तो इसने जो न्यूमेरिक
में ये नंबर सिस्टम ये मैं शो करवा दिया, ये बाय डिफॉल्ट होता है 1 2 3 4 5, ये जो है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया कि किस में शो करा, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्मॉल केस लेटर्स में है ए बी सी या कैपिटल केस में है, तो इसके लिए ये है कि आप यहीं पे जाएं जो ओएल का टैग है इसमें, यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी है टाइप, आप टाइप एंटर करें और डबल कोटेशन के अंदर जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। मैं अगर लार्ज कैपिटल लेटर में लिखूंगा ए, तो इससे क्या होगा, ये देखें ए बी सी कैपिटल लेटर में ये शो करवा रहा है। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो इससे क्या होगा, ये स्मॉल केस में ये शो करवा देगा। ये देखें स्मॉल केस में ए बी सी शो हो रहा है। तो इसीलिए इसी तरह अगर आप रोमन अदाद में देखना चाहते हैं कि जो रोमन मेरे नंबर हैं, उसके लिए आप कैपिटल आई, और स्मॉल केस में लेना चाहते हैं उसके लिए आप स्मॉल आई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले कैपिटल आई लिखता हूँ, ये कैपिटल आई, सेव करता हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें ये जो मेरे रोमन नंबर हैं ये कैपिटल में शो हो रहे हैं 1 2 3। आप जितने भी लिस्ट आइटम ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें वो एक जो नंबर है वो भी ऐड करता जाएगा। अगर मैं स्मॉल आई लेता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पे जो मेरे रोमन नंबर हैं ये स्मॉल में शो हो रहे हैं, स्मॉल केस में शो हो रहे हैं। तो ये अगर मैं इसी तरह इसी को कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ तो इससे क्या होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिकली ये उसने 6 7 और 8 ये इसने ऐड कर दिया। तो ये तो थी एक ऑर्डर्ड लिस्ट। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें क्या है, उसमें ये ऑर्डर के लिए हम ये तो नहीं लिखते 1 2 3, ये उसमें हम कुछ उसकी स्टाइलिंग भी हम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ होता है डिस्क होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर, या आप कुछ भी नहीं लेना चाहते तो उसके लिए क्या, क्योंकि इसमें साथ में कुछ ना कुछ हम शो करवाते होते हैं। तो पर ये मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, उसमें मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में कुछ बताता हूँ।